वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो होप गाइस आप सब अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे। आजकल जो ब्लॉग है ना, हम लुलु मार्केट के अंदर आए कुछ घूमने के लिए, स्पेशली घूमने के पर्पज से आए। अगर कुछ अच्छा लगा तो खरीदेंगे भी। मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा भी कि क्या खरीदने वाले भाई हम। और जाने से पहले अंदर कुछ फोटो निकाल रहे हैं हम सब दोस्त लोग, यहाँ पर जो हम लोग आए, नूरा भाई और राकी भाई आए, अभी सब फोटो निकाल रहे हैं। और मैंने भी कुछ फोटो लिया है इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप मुझे फॉलो कीजिए। उसके ऊपर फोटो अपलोड करने वाला हूँ लुलु मार्केट के कुछ जो हमने यहाँ पर निकाले। तो चलते हैं भाई इन लोगों को फोटो निकालने, जब तक कि मैं आपको यहाँ का कुछ सिनेरियो बताता हूँ बाहर का किस तरीके का सिनेरियो है। तो आप लोग देख सकते हो सामने सब गाड़ियाँ खड़े गाइस, ये पार्किंग है और ये भी पार्किंग गाइस। मैंने आपको इससे पहले जितने वीडियो बनाए ना उसके अंदर बताया है। तो ये भी पार्किंग है, देखो सब मार्केट है भाई, एक नंबर लुक आता है यहाँ पे फोटो काटने के टाइम पे। तो भाई सामने ही देखो मैकडोनल्ड और उस मस्जिद का गुम्बद भी दिख रहा होगा आप लोगों को। पोर्ट्रेट में फूल निकलते, लाइट लाइट छोड़ लाइट। और ये सब सामने शॉप से गाइस, एक पोर्ट्रेट में फूल आएगा ना गाइस। जो ये होटल दिख रही ना आपको यहाँ पे, जो होटल ये वाली होटल, तो वहाँ पर हम लोगों ने अल्फाम खाया था, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था भाई। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए आप। ईशा की नमाज़ पढ़ना बाकी थी मेरी, तो पहले मैं ईशा की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद में नूर भाई और आके बाहर बैठे, तो थोड़ा कुछ काम था उनका, उसलिए तो मैं जाके ईशा की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं आपके साथ इस क्या हम घूमने के लिए आए हैं लुलु मार्केट के अंदर सेकेंड टाइम, मैं आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो फाइनली अभी मस्जिद ढूंढे यहाँ पर, मुझे मस्जिद पता नहीं है कि एक्चुअली मस्जिद है कहाँ पर यहाँ पर। तो गाइस एक मकामी शख्स से पूछा मैंने कि मस्जिद कहाँ है यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया हम लोगों को। यहाँ अंदर है मस्जिद, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर अंदर है मस्जिद भाई, कभी जाके इधर नमाज पढ़ते। तो गाइस ये मस्जिद यहाँ पे अंदर लुलु मार्केट के अंदर, ये वुज़ू खाना यहाँ का। भाई इस नए तरीके का नल देख रहा हूँ मैं, देखिए आप इस तरीके का है। अगर आप इसको लेफ्ट में करते हो और फिर तानते हो तो गर्म पानी, फिर इस तरह ठंडा पानी। वाह भाई गाइस ये वॉशरूम है लुलु मार्केट के अंदर, मैंने आपको बताया। क्या नाम चाचा आपका? हा? आपका नाम क्या? मीजान। व्हाट? मीजान, मीजान, मीजान। चाचा का नाम मीजान, मोहम्मद मीजान। ये क्लीन करते हैं, मैंने गंदा कर दिया था गाइस ये अभी, पर उन्होंने साफ़ किया। गाइस ये सेंसर वाला एकदम हटा दो मिनट डाला, अरे क्या वही रहेगी गाइस, इसको टैप नहीं गाइस, डायरेक्ट ऊपर से पानी बहता जाते हैं। ये मस्जिद है इनसाइड, ठीक है आप। गाइस स्वेटर ये इसका रेट कितना है? सब स्वेटर भाई ये तो भाई कपड़े का मार्केट, स्पेशल कपड़े का सेक्टर ही है लुलु मार्केट के अंदर, तुमको हर चीज़ मिलेंगे यहाँ पर। बट अभी हम जहाँ पर आए जहाँ पर सिर्फ स्पेशल मेन क्लॉथ्स है यहाँ पर, मेन वेयर सब। आकिब देखिए चेक ट्रैक कर रही है, चेक कर रहा है कैसा हो रहा है उसको, क्या बोलते हैं नूर भाई आप इसके ऊपर कैसा लगेंगे? ये कुछ भी नहीं, अच्छा नहीं वाला भाई। मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेशनरी भी है, स्टेशनरी भी बताता हूँ। छोटा सा
स्टॉल जैसा स्टेशनरी को डेकोरेट किया गया यहाँ पे, तो बताता हूँ मैं आपको। तो भाई देखिए बैग्स यहाँ पर ही स्टेशनरी यहाँ से स्टार्ट होती है तो वहाँ तक लगभग 1, 2, 3, 4 तो स्टेशनरी के अंदर यहाँ पर देखिए सब बच्चों के कलर्स जो स्कूल के अंदर पेंट्स की पेंटिंग के लिए यूज़ होता है, ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, वो पूरा स्टेशनरी यहाँ पर। और ये देखिए भाई टेप वगैरह, ये बुक्स है गाइड, नोटबुक, 3 रियाल की बुक है गाइज, अप्रॉक्सीमेटली 66 रुपीज़ ऑन इन इंडिया। और यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेट चलता है गाइज, देखिए अब देखे होंगे बुक के अंदर, ये सब बुक्स है गाइज, यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की बुक है। अपन इंडिया में अक्सर इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करते हैं पेजेस के लिए। और दूसरा भी भाई ये कवर्स, गम कवर, देन आर्ट्स के लिए जितना सामान यूज होता है ना आर्ट्स के लिए, सब यहाँ पर मटेरियल है गाइस आर्ट्स के लिए। ये फाइल्स है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए देखिए भाई फाइल, साढ़े 8 रियाल नहीं 8.75 रियाल की भाई। ये पेंसिल, पेंसिल ना गाइज यहाँ पर छिली हुई मिलेंगे आपको डायरेक्ट, देखिए छिली हुई डायरेक्ट पेन यहाँ पर, रबर वगैरह आर्ट्स का है सब, ये भी बैंडेज। और ये कुछ पार्टी वगैरह है गाइज, इसके साथ पेन भी आते भाई। बस यहाँ तक ही, बस यहाँ तक ही स्टेशनरी मटेरियल है, उसके आगे फिर खिलौने वगैरह सब स्टार्ट हो जाते हैं भाई यहाँ पे। ये लिया जैकेट, कैसा लग रहा है? एक नंबर। आप कमेंट में बताएं गाइस कैसा लग रहा है आपको, नूर भाई ने लिया है गाइस। चेकिंग रूम है यहाँ पर, कपड़े चेक करो पहन के, एकदम अच्छी तरह डेकोरेट किया गया है। देखिए यहाँ पर सब दो जगह आने लगे यहाँ पर डायरेक्ट चेक करने के लिए, सभी लुलू मार्केट के अंदर अवेलेबल है गाइस। देखिए 119 रियाल की एक जीन्स की पैंट है गाइज, लगभग ये हो जा रही है 2200 के ऊपर, 2200-2400 रुपये की एक पैंट है गाइज। ये टी शर्ट है गाइज यहाँ पर, जिसकी 45 रियाल। तरीके से सेट किया गया देखिए आप, ये साइज फिट वगैरह सब दिया गया है। इसकी कीमत है गाइज 79 रियाल गाइज। ये देखिए छोटा शॉर्ट पैंट, अलग अलग वैरायटी। और इसकी एवरेज कीमत है गाइज, कीमत लिखी नहीं इसके ऊपर। सॉक्स, ये सॉक्स है 22 रियाल लगभग, इसके अंदर आते हैं पीसेस, ये 10 रियाल का गाइज एक सॉक्स। ये सॉक्स 33 रियाल, देन 28 रियाल, 28 रियाल
तो गाइस कैप देगी आप, कैप कैप से गाइस सब वैरायटी की कैप है। तो गाइस अभी सूटर देख सकते हो आप यहाँ पर, जैकेट कितने रियाल का है, 120 रियाल। इंडिया के अंदर लगभग ये 500 या 600 रुपये मिल जाएगा, बट मे बी द कंपनी द ब्रांड दैट्स वाई इट्स टू एक्सपेंसिव। तो गाइस कुछ शॉपिंग की हम लोगों ने, जैसे कि मैंने एप्पल लिया हूँ और नूर भाई ने कुछ सामान लिया यहाँ से और आकिब ने भी लिया लगभग। क्या लिया नूर भाई आपने? चॉकलेट्स है, थोड़े से पार्सल भेजने के लिए घर पे, चॉकलेट मैगी लिया हुआ है और अपना जो इंडियन लोगों की ज़रूरत रहती, जो ऑयल ज़रूरत पड़ता है सबसे ज़्यादा खाना बनाने के लिए, बस वही है। तो गाइस मैंने एप्पल लिया हुआ यहाँ से लगभग, एप्पल मुझे 5 kg। और आकिब ने क्या लिया भी पूछना? आकिब ने ओनली फोटो लिया है, बस फोटो लिया है आकिब ने ओनली। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तब तक के बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर मेरे डेली व्लॉग और लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।